हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सारिका गुप्ता व्लॉग्स में। चलिए आज फिर से लेके चलती हूँ किसी पंडाल में आप लोगों को घुमाने, जो कि होगा अगेन नॉर्थ कोलकाता का ही। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों को काफ़ी सारे व्लॉग्स में काफ़ी सारा पंडाल मैंने दिखाया। कुछ ऐसे भी पंडाल दिखाई जो बंगाली राजबाड़ी थीम का बना हुआ था, लेकिन आज मैं एक असली राजबाड़ी में आप लोगों को लेके आ गई हूँ। राजबाड़ी का मतलब हुआ एक महल, जो पहले के ज़माने में बंगाल के बड़े बड़े राजा या जमींदार हुआ करते थे, उन लोगों का ये महल या पैलेस कह लीजिए, उसे ही राजबाड़ी कहते हैं। तो ये देखिए, एक राजबाड़ी में हम लोग आ गए हैं। ये कोई पंडाल नहीं है, ओरिजिनल पैलेस है। राजा नवकृष्ण देव ओनर हुआ करते थे इस पैलेस के। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखिए, आप लोग आगे एंजॉय कीजिए। और आज है ना, दो राजबाड़ी में, ओरिजिनल दो राजबाड़ी में लेके चलूँगी इसी ब्लॉग में। पहले आप ये शोभा बाजार राजबाड़ी देख लीजिए, इसी के थोड़ी दूरी पे एक और राजबाड़ी है, वो दोनों आज हम लोग व्लॉग में कवर करेंगे। तो चलिए आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। बंगाली जो ज़मींदार होते थे या राजा महाराजा होते थे पहले के ज़माने में, उनका घर या पैलेस किस तरह का होता था। তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাশোর জমা আসর, থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাশোর জমা আসর, থাকবে মা আর কতক্ষণ। মায়ের রূপে মন ভরে যায়, প্রণাম জানাই রাঙা পায়, করে ধুনচি দুহাতে নাচে রে এখন। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাশোর জমা আসর, থাকবে মা আর কতক্ষণ। तो कैसा लगा फ्रेंड, शोभा बाजार राजबाड़ी अभी तक आपने देखा। अब चलिए इसी के थोड़ी दूरी पे एक और राजबाड़ी है, वो देख लेते हैं। आमी जानाबो मा के जानाबो, आज आमारे मोने राशा, जनो ए मोने ए जीवने थाके ए मोने भालो भाषा। मायर भाषान हबे रे आज, चलछे মাতন। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাশোর জমা আসর, থাকবে মা আর কতক্ষণ। दुर्गा पूजा के समय कलकत्ता शहर की रौनक देखते ही बनती है। चारों तरफ रोशनी, रंग बिरंगी लाइट्स, पूरा शहर जो है दुल्हन की जैसे सज जाता है। तो जो व्यूअर्स पहले कलकत्ता नहीं आए हैं या फिर आने की इच्छा रखते हैं आने वाले दिनों में,
तो ज़रूर मैं कहूँगी दुर्गा पूजा पे भी एक बार कलकत्ता ज़रूर विजिट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पंडाल कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और न्यू व्यूअर्स जो आज पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नया ब्लॉग लेके।